हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंटेक्स के बचे हुए रूल को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सिंटेक्स को अच्छी तरह समझने के लिए प्रीवियस सभी वीडियो को देख लें और आज के वीडियो को अंत तक देखकर, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज रूल 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने रूल 5 तक देख चुका है। तो रूल 6 है मेरा, रूल 6 है कि दो चीज मिलने के बाद भी, दोस्तों हमने इससे पहले वाला वीडियो में लास्ट रूल देखा था कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों मिलकर किसी एक चीज का निर्माण करता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों मिलकर एक चीज का निर्माण करता हो तो अब वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो लेकिन अगर मिलकर भी एक चीज का निर्माण न करता हो तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है कि यदि दो चीज मिलने के बाद भी एक नहीं बनता हो तब वर्ब प्लुरल होगा, लेकिन दो चीज मिलने के बाद भी एक नहीं बनता हो, एक नहीं बनता हो तब वर्ब प्लुरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसे आसानी से समझ पाए। वाइल एंड वाटर डैट डैश नॉट मिक्स। यहां पर हमको यूज करना है वर्ब डू और डज का, DUES डज। दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है, वन और टू, वाइल एंड वाटर, और एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो वाइल एंड वाटर कभी भी मिक्स होकर के एक नहीं बनता है, वाइल एंड वाटर कभी भी मिक्स होकर के एक नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा, रूल में देखा है कि दो चीज मिलने के बाद भी अगर एक नहीं बनता है तब वह पुल्लल भर, तब उसके साथ पुल्लल भर होगा, यानी वह पुल्लल भर लेगा। तो यहाँ पर हम पुल्लल भर डू को लेंगे, पुल्लल भर डू को लेंगे। रूल 7 है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले, और दोनों से पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल टू रीड। यहाँ पर हमको टू रीड केयरफुली,
यहाँ पर हमको हैज और हैव का यूज करना, तो ईच बॉय एंड यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ईच बॉय और ईच वर्ब गर्ल, और दोनों एंड से जुड़ा है। दोस्तों अभी हमने तुरंत रूल में देखा है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले ईच एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिमिलर होगा, तो यहाँ पर बॉय और गर्ल एंड से जुड़ा है लेकिन दोनों के साथ ईच का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ जो वर्ब लगे क्या होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब हैज को लगाएंगे। दोस्तों जैसे ही सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी लगता है तो वहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक में से एक का बोध होता है और इसलिए वह सब्जेक्ट क्या होता है सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल दोनों एंड से जुड़ा है लेकिन यहाँ पर यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करा है इसलिए अपने साथ यह सिंगुलर वर्ब को लिया है। रूल 8 है कि यदि किसी सेंटेंस में सच ऑफ ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ वन ऑफ इत्यादि का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग हुआ लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ एवरी ऑफ यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ ई ए सी एच ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ वन ऑफ इत्यादि का प्रयोग हो तो इत्यादि का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा, प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ वन ऑफ इत्यादि का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट डॉट टू रीड केयरफुली टू रीड केयरफुली। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ईच ऑफ है तो ईच ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स प्लुरल नाउन यानी प्लुरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है लेकिन इसके बाद देखा जाए तो वर्ब क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अभी हमने तुरंत ऊपर रूल में देखा है यहाँ पर वर्ब हमको हैज और हैव लगाना है, हमने अभी तुरंत देखा है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ वन ऑफ इत्यादि का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है, ईच ऑफ है यहाँ पर देखा जाए तो प्लुरल नाउन यानी प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ लेकिन वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा सिंगुलर होता है, इसके बाद वर्ब हम सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक प्रति एक स्टूडेंट का चर्चा कर रहा है इसलिए यहाँ पर इस तरह से मिलकर क्या हो जाता है यह सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है और इसलिए यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है। रूल 9 है कि यदि एक ही सेंटेंस में विभिन्न नंबर पर्सन का प्रयोग हो तो उसे रूल 231 पर सजाते हैं, अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग करते हैं उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं तथा सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। यदि एक ही सेंटेंस में विभिन्न नंबर पर्सन का प्रयोग हो तो यदि एक ही सेंटेंस में
विभिन्न नंबर प्रश्न का प्रयोग हो तो, विभिन्न नंबर पर्सन का प्रयोग हो तो उसे रूल 231 पर सजाते हैं, उसे रूल 231 पर सजाते सजाते हैं, अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन, अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग, का प्रयोग, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग, और सबसे, हाँ सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही सेंटेंस में विभिन्न नंबर पर्सन का प्रयोग हो तो उसे रूल 231 पर सजाते हैं, अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग, और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसे आसानी से समझ पाए। एग्जाम्पल है, तुम, मैं और वह जा रहे हैं, तुम, मैं और वह जा रहे हैं, तुम मैं और वह जा रहे हैं, तुम मैं और वह जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तुम क्या है, सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, और ही थर्ड पर्सन है। यहाँ पर इस सेंटेंस में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो हम यहाँ पर 231 के रूल पर चलेंगे, सबसे पहले तुम के, फिर उसके बाद वह, और तब आई। तो इसको बनाएंगे तो बनेगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई वेयर गोइंग, और दोस्तों यहाँ पर ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा और अपने साथ प्लुरल वर्ब को लेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा, वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। यदि एक ही सेंटेंस में विभिन्न नंबर पर्सन का प्रयोग हो तो उसे रूल 231 पर सजाते, अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग, और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। यहाँ पर अभी हमने एक सेंटेंस को देखा है कि तुम, मैं और वह जा रहे हैं, तुम यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, वह थर्ड पर्सन, यहाँ पर तीनों पर्सन का यूज हुआ है। अगर इसी तरह से सीरियल नंबर में लेते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, हमको लेना होगा 231 के ऑर्डर में। 231 मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वह हमेशा प्लुरल आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो बन जाएगा यू ही एंड आई बेयर गोइंग। तो दोस्तों इस तरह से अगर विभिन्न नंबर पर्सन एक सेंटेंस में हो तो उसे 231 के ऑर्डर पर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं और वह जा रहे हैं, मैं और वह जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यह क्या है, थर्ड पर्सन। दोस्तों हमने अभी तुरंत देखा है कि 231 के रूल पर इसको ऑर्डर में रख करके तब सेंटेंस को बनाते हैं, और यह अपने साथ हमेशा कौन वर्ब लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है। यहाँ पर सबसे पहले हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे, तो ही एंड आई, और वर्ब इसके साथ अगर इज और
आर को लेते हैं तो हमको आर लेना होगा, ही एंड आई आर, ही एंड आई आर गोइंग, ही एंड आई आर गोइंग, यहाँ पर थर्ड पर्सन और आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तो यह दूसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन, और यहाँ पर सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, तो सबसे पहले थर्ड पर्सन को लिए हैं उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सेकेंड पर्सन और फर्स्ट, मैं और तुम जा चुके हैं, यहाँ पर हैज और हैव को लेना है, मैं को देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन है और तुम को देखा जाए तो सेकेंड पर्सन है। दोस्तों अभी हमने तुरंत देखा है कि इसको जब किस ऑर्डर में लेना है, 231 के रूल पर, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लेंगे, तो यू एंड आई, यू एंड आई, और इसके साथ अब वर्ब की बात आती है, तो वर्ब हमेशा क्या लेंगे, पुलर लेंगे, तो यू एंड आई हैव, यू एंड आई हैव गॉन, तो इस तरह से यह सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन 231 के रूल पर है। उस ऑर्डर में थर्ड पर्सन है इसलिए पहले सेकेंड पर्सन को लिए उसके बाद फर्स्ट पर्सन। दोस्तों इस तरह से जब बहुत सारे ये विभिन्न पर्सन का जब सेंटेंस में यूज हो तो 231 के ऑर्डर पर उसको सेंटेंस में लेते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम सिंटैक्स के बचे हुए रूल को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।